जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट एक बार फिर साथ सभी भक्तों के लिए नई ताजी वीडियो लेकर हाजिर है। इस वीडियो में डिवोशनल पॉइंट यात्रा से जुड़ी नई ताजा जानकारी के साथ नया और ताजे नजारे की वीडियो भी लेकर आए, साथ ही कोरोना टेस्ट से जुड़ी एक अच्छी जानकारी आप सभी भक्तों के लिए लेकर आए। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप यात्रा से जुड़ी रोजाना नई ताजा तस्वीरें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो बढ़ते ही वीडियो में आगे बात करते हैं कोरोना टेस्ट को लेकर कुछ अच्छी खबर के बारे में। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले सभी भक्तों को अभी भी कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। वहीं अच्छी खबर सामने निकल कर ये आई है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद में जम्मू कश्मीर सरकार ने अब स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जिसका सीधा सीधा लाभ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले भक्तों को मिलने वाला है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले वो भक्त जो कि बाय रोड जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं यात्रा करने के लिए, उन्हें लखनपुर डिपो रुकने के बाद अपनी कोरोना जांच करानी होती है अगर वो कोरोना टेस्ट नहीं करा कर आए तो। वहीं ऐसे भक्त जो कि पहले ही कोरोना टेस्ट अपने राज्यों से करा कर आए हैं, उन्हें अपनी कोरोना जांच की रिपोर्ट दिखानी होती है लखनपुर में, तभी वो आगे जम्मू कश्मीर में एंटर कर पाते हैं। वहीं लखनपुर डिपो को लेकर अच्छी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि जल्द ही सरकार लखनपुर डिपो पर स्थित कोरोना प्रणाली केंद्र को बंद कर सकती है, यानी कि कोरोना टेस्टिंग सेंटर को जल्द ही लखनपुर डिपो से हटाया जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है स्कूलों का खुलना। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स लगे हुए हैं, ज़्यादातर जो स्कूल के कर्मचारी हैं, जो अध्यापक हैं, यानी कि जो हमारे टीचर्स हैं स्कूल में, उन्हें लगाया गया है कोरोना सेंटर्स में, उनकी ड्यूटी लगी है। और यही बड़ा कारण सामने निकल कर आ रहा है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में स्कूल खुल जाते हैं सरकार के निर्देश के बाद में, तो जो कोरोना सेंटर स्थित है लखनपुर डिपो में वो भी बंद हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं अपना में काफ़ी अच्छी खबर है उन सभी भक्तों के लिए जो कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने के लिए रोड का सहारा ले रहे हैं और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा तक बाय रोड पहुंच रहे हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं यात्रा से जुड़ी कुछ नई और ताज़ा जानकारी के बारे में। जो नज़ारा आप सभी भक्त सामने देख पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का नया और ताज़ा नज़ारा है, जहां पर आप बाणगंगा मार्ग पर स्थित दुकानों को देख सकते हैं। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो इस समय आपको लगभग 60-70% जो दुकानें हैं वो खुली मिल सकती हैं, हालांकि अभी तक भी 30-40% जो दुकानें हैं वो नहीं खुल सकी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यात्रियों की कमी होना, साथ ही कोरोना महामारी होना। यहाँ पर दुकानदार भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, उनका यही मानना है जो कोरोना महामारी है उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई वो अभी तक भी नहीं कर पाए हैं। वहीं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर इस समय रोजाना 13-14 हज़ार भक्त यात्रा करने आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। जहाँ पर ये संख्या पहले 2 या 3 हज़ार भी नहीं हुआ करती थी प्रतिदिन, अब ये 13-14 हज़ार होना भी बहुत बड़ी बात है। वहीं आप सही भक्त जो सामने नज़ारा देख पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर स्थित भवन का नज़ारा है, जहाँ पर आप भक्तों की कमी साफ देख सकते हैं। 12-13 हज़ार भक्तों की संख्या होना पूरी 12-13 किलोमीटर की यात्रा पर बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है, क्योंकि जब आप यात्रा करते हैं और 12-13 हज़ार भक्तों की संख्या रहती है तो तब वो संख्या आपको देखने में काफ़ी मामूली सी लग सकती है। वहीं अगर आप भवन पर आते हैं, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं और दर्शन करते हैं भवन पर, तो इस समय आपको जो दर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि जो भक्तों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। सामने आप देख सकते हैं जो भक्त है वो दर्शन करके आ रहे हैं और कुछ भक्त जो है दर्शन करने जा रहे हैं। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप भवन पर आते हैं और रात बिताना चाहते हैं और आपकी कोई भी बुकिंग नहीं हुई है रूम या फिर डोरमेट्री की, तो आपको डरने की कतई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भवन पर आने के बाद में आपको कंबल की व्यवस्था पूरी तरीके से मिल जाएगी, साथ ही भवन पर स्थित जो धर्मशालाएँ हैं वो भी आपको खुली मिल जाएगी, तो आपको कतई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर स्थित सभी सेवाएं आप सभी भक्तों को पूर्ण रूप से मिल जाएगी। घोड़े खच्चर पिट्टू पालकी की सुविधाएं आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगी। वहीं अगर आप चाहते हैं बैटरी कार का इस्तेमाल करना, जो कि भवन से हरिद्वार के बीच में चलती है, तो उसका भी लाभ आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं रोपवे से सफ़र करना, जो कि भवन से भैरव बाबा तक चलता है,
तो रोपवे का भी सफ़र आप पूर्ण से कर सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए हेलीकॉप्टर सेवाओं की, तो हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। इस समय जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं वो पूर्ण रूप से रोज़ाना चल पा रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है आप सभी भक्तों के लिए। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो इस समय जो माहौल आप सामने देख पा रहे हैं, काफ़ी अनुकूल माहौल इस समय बना हुआ है। यात्रा पर जो यात्रियों की संख्या है, हालांकि अभी तक पहले जैसी नहीं हुई है, पर धीरे धीरे यात्रा पर जो रौनक है वो लौट रही है, और ये कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी बात भी है। वहीं आप भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी रोजाना नई और ताज़ा जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी भक्तों का ये सहयोग हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर स्थित अर्धकुंवारी गुफा, जिसे भक्त गर्जुन गुफा के नाम से भी जानते हैं, अभी तक भी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं खोली गई है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, जब से कोरोना महामारी हुई है उसके बाद से यात्रा 16 अगस्त 2020 को खोली गई थी। 16 अगस्त से अभी तक यात्रा पर स्थित अर्धकुंवारी गुफा को भक्तों के लिए नहीं खोला जा सका है। वहीं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर स्थित अर्धकुंवारी गुफा को जल्द ही भक्तों के लिए खोला जा सकता है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, श्राइन बोर्ड के सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार आपको बता देना चाहता हूँ, जल्द ही श्राइन बोर्ड गुफा को कभी भी खोल सकता है। तो जैसे ही गुफा खुलती है तो ये अपडेट आप भक्तों तक डिवोशनल पॉइंट जरूर पहुँचाएगा। वहीं आप सही भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले सभी भक्तों को इस समय यात्रा पर्ची कटरा से मिल पा रही है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जो नज़ारा आप सभी सामने देख पा रहे हैं कोरोना काल का ही नज़ारा है, जो कि काफ़ी ताज़ा नज़ारा है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर सभी यात्रियों को इस समय जो कोरोना काल में भी यात्रा पर्ची की सुविधाएं पूर्ण रूप से मिल पा रही है। यानी कि अगर आप नहीं जानते हैं जो यात्रा पर्ची है वो ऑनलाइन बुक कैसे होनी है, तो आपको कतई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप कटरा पहुँचने के बाद में यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2 से दोनों ही जगह से यात्रा पर्ची ले सकते हैं। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 1 कटरा चौक पर ही स्थित है, जहाँ पर निहारिका भवन है वहीं पर स्थित है। वहीं काउंटर नंबर 2 त्रिकुटा भवन के पास में स्थित है, जिसे नया बस अड्डा भी कहते हैं, वो वहाँ पर स्थित है। तो दोनों ही जगह से आप यात्रा पर्ची की लाभ ले सकते हैं। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन तक, तो इस समय आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर कोई भी यात्रा पर्ची की सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, जैसे कभी पहले भक्तों को मिला करती थी। तो आपको कतई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप यात्रा पर्ची नहीं लेकर आए हैं। तो वहीं अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं और आपके मन में ये सवाल है, क्या इस समय यात्रा पर छोटे बच्चों को लेकर या फिर बड़े बुजुर्गों को लेकर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध श्राइन बोर्ड की तरफ से लगाया गया है, तो आप भक्तों को यहाँ पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, इस समय यात्रा पर किसी भी भक्त को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कि अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, साथ ही बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन्हें लेकर भी आप यात्रा इस समय कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से यात्रा पर बच्चों को या फिर बड़े बुजुर्गों को लेकर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, आपको कतई भी घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं कुछ भक्तों के मन में ये भी सवाल है कि उनके बच्चे 10 साल से उम्र में छोटे हैं, तो क्या उनका कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य है, या फिर कटरा पहुंचने के बाद क्या बच्चों का भी कोरोना टेस्ट होगा। तो आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। अगर आप चाहें तो फिर भी आप उनका कोरोना टेस्ट यात्रा पर करा सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं, तो आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर, जम्मू रेलवे स्टेशन पर, साथ ही उधमपुर रेलवे स्टेशन पर, तीनों ही जगह निःशुल्क कोरोना टेस्ट की व्यवस्था मिल जाएगी, जो कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से उपस्थित कराई गई है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, ट्रेन से उतरते ही सभी भक्तों का कोरोना टेस्ट किया जाता है रेलवे स्टेशन पर ही। अगर कोई भक्त अपने राज्य से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आता है, उसके बावजूद भी उनका कोरोना टेस्ट दोबारा रेलवे स्टेशन पर किया जाता है, भले ही उनका कोरोना टेस्ट कितनी ही घंटे पुराना क्यों ना हो। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप बाय रोड आ रहे हैं, यानी कि बस से आ रहे हैं, या फिर आप अपने पर्सनल वाहन से आ रहे हैं, तो तब आपका कोरोना टेस्ट अगर आप अपने राज्य से कराकर आए हैं, वो पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा, अगर आपका कोरोना टेस्ट 96 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, आपने अपना कोरोना टेस्ट 1 फरवरी को कराया है, तो आपका कोरोना टेस्ट 4 फरवरी तक वैलिड माना जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर आप बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि अगर आप जम्मू एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका निःशुल्क कोरोना टेस्ट हो जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट पर अपनी कोई रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि आप अपने राज्य से करा कर आए हैं, तो वो कतई भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को
वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को भक्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही अगर आप चाहते हैं रोजाना यात्रा से जुड़ी नई ताज़ा तस्वीरें प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।